बेबो। हाय, मैं बेबो, आपकी खास दोस्त और राजदार। पता है, अभी मैं मुन्ना का मेल पढ़ रही थी। मुन्ना ने लिखा है कि उसकी शादी हुए 4 साल हो गया है, लेकिन 4 साल से उसकी बीवी उसके साथ कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं रखती है। That's sad. मुन्ना फिजिकली, इमोशनली एंड सेक्सुअली उसकी बीवी के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुन्ना का ये कहना है कि शादी के पहले उसकी बीवी का कहीं अफेयर था और वो फिजिकली इन्वॉल्व भी थी उसके साथ, लेकिन शादी के बाद वो मुन्ना के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती है। लेकिन वो ये कहती है कि वो पिछली बातें सब भुला चुकी है, मुन्ना को बहुत चाहती है और उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती है। बट वो ये भी कहती है कि अगर मुन्ना चाहे तो बाहर किसी और लड़की के साथ रिश्ता जोड़ सकता है। वाओ मुन्ना, यू आर सो लकी, ऐसी बीवी तो नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अभी तुम कह रहे हो कि तुम कंफ्यूज्ड हो, इसमें कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। मैं तुमको एक सलाह दे सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुमसे फिजिकली कनेक्ट हो। एक काम करो, सबसे पहले तुम उससे दोस्ती बढ़ाओ, उसकी फैंटेसी जानने की कोशिश करो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है पहले ये सब जानो। जब दोस्ती बढ़ जाएगी तब धीरे धीरे उसको ही सेक्सुअल टर्म्स के बारे में पूछो, देखो ना वो क्या जवाब देती है। हो सकता है कि वो पट जाए। और मुन्ना, जरा मेरी बात सुनना, कुछ प्रॉब्लम हुआ तुम मुझे लिखना, मैं हूं ना तुम्हारी बेबो। एक बात बताऊं, शादी को रेस्पेक्टफुली देखो, फिजिकली नहीं, इमोशनली। सो बेस्ट ऑफ लक।